ये है Realme का फर्स्ट एंड्रॉयड टैबलेट, ये है फर्स्ट मिनी टैबलेट, अब गाइस आ चुका है फर्स्ट 5G टैबलेट, ऐसे सही रहेगा। ऑलरेडी गाइस मैं आपको फर्स्ट इंप्रेशन अनबॉक्सिंग दिखा चुका हूँ कि क्या क्या आपको माल मसाला मिलता है बॉक्स में, और कुछ इनका मैंने यूसेज भी दिखा रखा है। अब हम आज कुछ लॉन्ग टर्म यूसेज भी देखेंगे इसका, और साथ ही साथ मैं आपको कुछ कूल एक्सेसरीज भी दिखाता हूँ जो Realme ने लॉन्च की है, और उसमें से एक है ये जलवेदार फ्लिप केस प्लस Realme keypad, also stylus, you know, pen is mightier than this sword, अपने कहानी तो पड़ी होगी इन वो जो कलम वाली बाई आई थी ना क्रांतिवीर पिक्चर में, जब उसको देखा था समझ में कि हाँ पेन में बहुत ताकत होती है। मैंने आपको ब्लू कलर दिखाया था, अब ये ग्रे कलर है, जो ग्रीन वाला कलर था ना सुंदर वाला, जो ये GT Neo 2 वाला कलर था, वो इंडिया में नहीं आ रहा, काफ़ी स्लिम सा है, 7.1 mm है और थोड़ी सी मैट फिनिशिंग में। अब ये साइज बड़ा है तो ऑफ कोर्स आप इसको ऐसे स्पाई जॉब कर सकते हैं, ऐसे बात भी कर सकते हैं। 5G टैबलेट है, 5G सिम भी सपोर्ट करेगा, और ये रहा सिम, और यहाँ पे आप SD कार्ड भी ऑफ कोर्स लगा सकते हैं। अभी बैटरी ने मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, ये फोर्थ डे है और ये डाउन सा होने वाला है, मैं इसको फुल ब्राइटनेस कर देता हूँ, फिर भी मुझे लगता है कल तक तो ये बहुत तगड़े में चल जाएगा। लेट्स गो टू द सेटिंग, और यहाँ पे ये लेटेस्ट Realme UI ना, ये वही चल रहा है। जिनको नहीं पता, ये जो पैड भी नहीं था ना, इसमें ये एक Realme का कुछ अलग वाली UI थी ना, सिंपल वाली आई थी, वो चल रही थी। अबाउट फोन सेक्शन यहाँ पे वर्चुअल रैम में मिलता है, आप उसको बढ़ा भी सकते हैं, 6 to 5 हो जाएगा। एंड्रॉयड 12 पे है, version 3, मेगा सिक्योरिटी पैच है। कि बैटरी बहुत बढ़िया चलती है, देखो मैंने इसको 3.5 दिन पहले चार्ज किया था और तब से मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो आप बहुत कस के यूज़ करेंगे ना, तो उस हिसाब से ये 3 से 4 दिन एकदम हैवी यूसेज में चलेगा, और अगर आप नॉर्मल चलाते ना तो आई थिंक हफ्ता भर तो आसानी से खिंच जाएगा। स्पीकर का डेमो आपको दिखाता हूँ, वैसे स्पीकर से काफ़ी लाउड है, जहाँ तक आप साउंड से गेस कर पा रहे होंगे ये एक्चुअली कंप्लीट मेटल है। किसी भी हम कोई छोटा मोटा काम करते हैं, आप तो बड़े दीवाने हो रहे हैं। ओ बहू बेगम पिक्चर देखी किसी ने? स्पीकर्स आपने देख लिए, काफ़ी लाउड है, प्लेसमेंट भी काफ़ी बढ़िया है, बहुत शार्प साउंड तो नहीं आ रही बट लाउडनेस काफ़ी इनफ है। डॉल्बी एटमॉस का यहाँ पे कस्टमाइजेशन भी आपको मिलता है। डिस्प्ले कैसा है, फर्स्ट जो साइज है ना ये 11 इंच का है, और इसको आप कह सकते हैं WUXGA+ रेजोल्यूशन है। बेजल्स जो हैं वो सिमेट्रिकल है, एग्जैक्टली सेम है जैसा आपको Realme पैड में मिला था, यहाँ पे भी सिमेट्रिकल बेजल थे, और इवन जो मैं देख पा रहा हूँ कि बेजल्स एग्जैक्टली सेम साइज के हैं। Realme पैड मिनी में था ये, यहाँ पे ना थोड़ा सा ज़्यादा स्लिम किया गया था, तो एटलीस्ट अगर इतना पतला बेजल होता ना तो बहुत ही बढ़िया लगता। 450 nits इसकी पीक ब्राइटनेस है, मैंने इसको फुल पे रखा है तो ठीक ठाक है, लाइक सुपर ब्राइट भी नहीं है, लो भी नहीं है। और यहाँ पे आपको कुछ अलग फीचर्स भी मिलते हैं, जैसे कि मल्टी विंडो और फ्लोटिंग विंडोज टाइप का, ऑल्सो यहाँ पे जो Realme का ना मल्टी डिवाइस कनेक्ट है वो फीचर भी दिया गया, उसके लिए आपको थोड़े से प्रीमियम फ़ोन यूज़ करने पड़ेंगे, GT 2, GT 2 Pro, Neo 2, Neo 3, इस टाइप के फ़ोन, तो उसके लिए आपको फर्स्ट फ़ोन में आपको यहाँ पे स्क्रीन कनेक्ट में जाना पड़ेगा, अभी मैंने ऑफ कर रखा है। टैब में यहाँ पे ऑप्शन है, जैसे आप उससे कनेक्ट करेंगे ना मल्टी कनेक्ट, और आपको फ़ोन में भी ऑन करना है, और क्लिक कनेक्ट, लेट्स सी अलाउ आ गया, और ये इसलिए कनेक्ट हो जाना चाहिए, एंड ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। तो जैसे आप देख सकते हैं ना, अगर मैंने इसको मिनिमाइज़ किया तो स्क्रीन पे भी वही चल रहा है, थोड़ी सी ब्राइटनेस कर दूँ, ये बहुत ही ब्राइट फ़ोन है। ओके, जैसे आप ओपन करेंगे वैसा हो जाएगा, बट एनीवेज काफ़ी कूल फीचर, आप ऐसे इसको छोटा कर सकते हैं, ऐसे क्लिक करके बड़ा कर सकते हैं। चलिए इसको बंद करते हैं गाइस, ये हो गया डिसकनेक्ट, इस फ़ोन को हटाते हैं और कुछ बढ़िया चीज़ें आपको दिखाता हूँ। और फर्स्ट ये देख सकते हैं दिखने में कैसा है, तो वैसे तो गाइस ये ऐसे फ्लिप केस है इसका, जो ऑफ कोर्स आपको टैब में लगाना चाहिए, बिकॉज कोई भी स्क्रीन प्रोटेक्टर वो सभी चीज़ें नहीं मिलती है, तो बेटर है, बड़ी डिवाइस है, एक बार गिरी ना तो चकनाचूर, आप कुछ नहीं कर सकते। और यहाँ पे मैग्नेटिक हिसाब भी आप इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको चार्जिंग का भी मिलता है, USB टाइप से चार्जिंग है। ये इसका ऑन ऑफ स्विच अभी ग्रीन पे यानी कि ऑन है, और इसको इधर कर दिए हल्का सा आपको रेड सा दिख रहा होगा, अभी थोड़ा सा ऑफ पे आ गया। क्वालिटी ठीक है, थोड़ी बढ़िया सी फिनिशिंग आ रही है इसमें, स्मेल अच्छी है। ओके, और अभी थोड़ा सा वेट तौल लेते हैं, ये कितना है, 499 ग्राम के आसपास था, ये 509 ग्राम लगता है, सिम का भी वेट जुड़ गया, और इसका जो वेट है 400 ग्राम, और जो पेंसिल का वेट है
16 ग्राम, तो देखा आपने, 1 किलो आपको लेके घूमना पड़ेगा साथ में अगर आप ये सारी चीज़ें लगा लेते हैं। चलो लगा के दिखाता हूँ आपको, लगने में भी इजी है। मैंने जब से इसको यूज़ करना स्टार्ट किया ना, तो मैंने ऐसे ही लगाया। ऑफ कोर्स कैमरे वाला हिसाब यहीं पे जाएगा, क्लिक क्लिक, जब ये गया और ये गया ऐसे। सो थोड़ा सा हैवी हो गया लाइक, बिकॉज साइज बड़ा है ना। और यहाँ पे ना ये वो भी, जैसे कि आप इसको ओपन करेंगे ना तो लाइट जल जाती है, जैसे आपने खोला तो ये स्क्रीन अपने आप ऑन आता है। तो ये मैग्नेटिक है ना, और फेस अनलॉक भी इसका जलवेदार काम करता है। लेट्स सी फ्लिप करने पे क्या बंद होता है। यस, लॉक हो गया, आवाज़ आई थी, देखा। अब ये फिर से अनलॉक में आ गया एंड खुल गया। तो परफॉर्मेंस भी इसकी टैब की बढ़िया है, लाइक स्नैपड्रैगन 695 आप जानते हैं, तो कुछ खास बताने की जरूरत नहीं। अनबॉक्सिंग आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। और ये है मज़ेदार चीज़, इसको चेक करते हैं। अब यहाँ पे ना आपको पेंसिल को कैसे कनेक्ट करना है, ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ना, यहाँ से एक्चुअली इंडक्शन चार्जिंग होती है। अब ये कनेक्ट हो गया, और जैसे आप इसको कनेक्ट करेंगे ना, जैसे अभी आप देखोगे स्क्रीन पे कुछ नहीं है। सो जैसे मैंने इसको लगाया, ये यहाँ पे आ गया चार्जिंग 95%। और इसकी पेंसिल चार्ज बहुत फास्ट होती है, जहाँ तक मैंने इसको मेजर किया है अराउंड ये 50% चार्ज 22 to 23 मिनट में हो जाता है। मैंने एक्चुअली 13% स्टार्ट किया, क्योंकि वहाँ तक उतना ही दिखा रहा था। और फुल करने में इसको आप 50 मिनट मान सकते हैं, और डाउन ये ज़्यादा होता नहीं है। लाइक मैं इसको काफ़ी घंटे से यूज़ कर रहा था इस रिव्यू से पहले। और टैबलेट की बैटरी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं होती, अगर आप इसको फुल चार्ज करते हैं ना तो आई थिंक 4 to 5% इस टैबलेट की बैटरी डिस्चार्ज हुई। और मैग्नेट देखिए काफ़ी स्ट्रांग है, आप इसको ऐसे लगा भी देंगे ना, ऐसे मैंने बंद किया तो बाहर नहीं आ रहा। ऑल्सो जब ये कनेक्ट हो जाता है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेंसिल कनेक्टेड है। अभी रियलमी स्मार्ट कीपैड डिसकनेक्टेड है, तो आपको इसको कनेक्ट करने के लिए ये ऑन ऑफ करना पड़ेगा। यहाँ पे ये इंडिकेटर लाइट है, जब ये बैटरी लो हो जाती है तो ये रेड कलर का हो जाता है, जब ये चार्ज हो जाती है ना, जब चार्ज करते हैं तब ये ग्रीन हो जाती है। इस कीपैड के आपको एक स्मार्ट फीचर बताता हूँ। जैसे अभी ये पेंसिल वाया ब्लूटूथ कनेक्ट है, अभी जैसे आपने फ्लैप ओपन किया ना, तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि रियलमी स्मार्ट कीपैड कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पर कोई भी कनेक्टेड लिख के नहीं आ रहा है, और यहाँ पे लाइट भी नहीं जल रही। लेकिन जैसे आप इसको इस मैग्नेटिक होल्डर पे सीधे धीरे से ले जाएंगे ना, यहाँ पे ये लाइट जल गई और अपने आप ये स्मार्ट कीपैड कनेक्ट हो जाता है। तो ये एक स्मार्ट फीचर है जो इसमें दी गई है। और जैसे मैंने यहाँ पे निकाला है इसको, तो ये अपने आप इटसेल्फ डिसकनेक्ट हो जाएगा। इस कीपैड के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आपको बता देता हूँ, इनकेस आप सोच रहे हो इसको बाई करें ना करें, बिकॉज ये सेपरेटली सोल्ड होती है, आपको इस पैड के साथ नहीं मिलेगा। पेंसिल और ये दोनों आपको अलग से बाई करना पड़ेगा। अगर आप मोबाइल चलाते हैं तब तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर आप जस्ट कंप्यूटर यूज़र हैं, मैक चलाते हैं, विंडोज चलाते हैं, तो आपको कुछ दिन लगेंगे एडजस्ट होने, बिकॉज शॉर्टकट्स थोड़े से अलग हैं। कीपैड जो इटसेल्फ है, भले आप लैपटॉप से भी कंपेयर कर ले, उससे थोड़ा तो छोटा ही है। कुछ यहाँ पे शॉर्टकट प्री डिफाइंड दिए गए हैं, जैसे आपको बैक करना है तो आपको यहाँ पे जो फंक्शन की है ना, वो आपको फंक्शन नहीं, ये जो आप कह सकते हैं आई डोंट नो, इसको होम बटन आप कह सकते हैं, बैक किया तो ऐसे बैक हो गया। जैसे आपने कुछ खोला, आपको स्ट्रेट वे फिर से होम स्क्रीन पे आनी है, तो आप ऐसे करेंगे, इंटर करेंगे तो होम आ जाएगा। ये सारी चीज़ें आप कस्टमाइज भी कर सकते हैं, आपको जस्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर फिजिकल कीबोर्ड पे जाना है। तो कीबोर्ड शॉर्टकट्स है ना, यहाँ पे बहुत सारे यहाँ पे शॉर्टकट्स दिए, आप उसको लगा सकते हैं। इंडिविजुअल ऐप के शॉर्टकट आप लगा सकते हैं, जो भी चाहे आप उसको कर सकते हैं। कुछ यहाँ पे बढ़िया शॉर्टकट दिए गए, लाइक अगर आपको वॉल्यूम बढ़ाना घटाना है तो आपको FN की भी देगी, FN5 किया आपने तो वॉल्यूम घट गया, FN6 किया तो देखिए वॉल्यूम बढ़ गया, FN1-2 किया तो स्क्रीन की ब्राइटनेस घट गई, 2 किया तो ये फुल हो गया। ऐसे तमाम तरह के शॉर्टकट दिए गए हैं। कीज़ में टाइपिंग एक्सपीरियंस मेरा सही रहा, बिकॉज यहाँ पे जो कीज़ है ना उसमें डिस्टेंस ठीक दिया है, जस्ट लाइक आपको लैपटॉप से मिलता है ना, तो यहाँ पे भी अराउंड 1.3 mm का की ट्रैवल डिस्टेंस है, तो आप इजीली टाइप कर सकते हैं। मैंने काफ़ी कुछ यहाँ पे टाइप किया तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं। और कीज़ सॉफ्ट भी है, यहाँ पे ऑफकोर्स कोई भी बैकलाइट नहीं दिया गया है। अराउंड यहाँ पे आपको 280 mAh की बैटरी है, मेरे यूसेज में ठीक ठाक चला, मैंने काफ़ी हैवी यूज़ किया तो ये 2 to 3 दिन कम्प्लीटली कनेक्टेड रहा इसके साथ में, जब से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। एंड गाइस, अबाउट दी पेंसिल, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आपको मैं बताता हूँ। एंड ऑफकोर्स इसमें सारे पर्पज़ तो होते ही, जैसे अगर आपको जस्ट ऐसे टच ऑपरेट करना है देन तो ओके है, तो आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। लाइक यू नो, कोई भी आप पेंसिल ट्राई करते हैं ना तो आपको 1 to 2 दिन लगेगा, देन आप इजीली इसको एडजस्ट हो जाते हैं। और यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं, जैसे कि आप इस टैब में लैंडस्केप यूज़ करेंगे ना तो एप्लीकेशंस अलग टाइप की डिफाइन, लेकिन आपको ये बता दूँ जो रियलमी लिंक ऐप है वो आपका लैंडस्केप नहीं वर्क करता है। कुछ एप्लीकेशन अभी भी बने हैं,
कुछ नई बने तो वो आपको देखना पड़ेगा आप कौन सा एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। और इसके सेंसिटिविटी पे आ जाए तो इसकी सेंसिटिविटी ठीक है, जैसे मैंने कहा गाइस आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा एडजस्ट करने में। ऑफकोर्स आप टाइपिंग तो इससे कर सकते लेकिन उसके लिए उतना ये बेस्ट सूटेड है नहीं, आप फिंगर से ज़्यादा बढ़िया टाइप कर सकते हैं। की पैड भी है, प्राइमरीली आप इसको स्केच बुक पर्पज़ के लिए लेंगे तो बहुत से एप्लीकेशन है पेड फ्री अवेलेबल है, आप स्केच बुक एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हैं, ये फ्री है और इजिली आप इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ आप जैसे आपने नया बनाया तो मैं ज़्यादा तो यूज़ नहीं करता लेकिन बढ़िया एक्सपीरियंस आपको भी मिल सकता है। सो ये फटाफट यहाँ पे आप ऐसे बना सकते हैं तो सेंसिटिविटी इसकी ठीक है, अच्छा काम करता है। सो ऑन दी कंबाइंड समरी में कैसा रहा एक्सपीरियंस इस टैब के साथ, इस की पैड के साथ एंड ऑल्सो विद दी पेंसिल। देखिए वैसे अगर आप ओवरऑल ऐसे कॉम्बिनेशन बनाते ना तो थोड़ा सा हैवी कॉम्बिनेशन है, लेकिन आपको इन तीनों चीज़ की ज़रूरत एक साथ तभी पड़ेगी जब आप ऑन द गो ज़्यादा प्रोडक्टिव होना चाहते हैं। अबाउट दी टैब, ये 5G टैब है, ऑफकोर्स सिम भी लगता है, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट ऐसी आप लंबे समय तक ऑफकोर्स एक टैब चाहते हैं देन 5G इज गुड ऑप्शन। अगर आपको ऐसा मिलता है सेम प्राइस में आपको 4G टैब मिल सकते हैं फॉर एग्जाम्पल फ्रॉम दी शॉमी, उससे आपको थोड़ा सा बेटर CPU मिल जाएगा, बेटर 4K रिकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, तमाम चीज़ें आप इसमें कर सकते हैं। भाई तो यहाँ पे 13 MP का रियर कैमरा मैंने आपको अनबॉक्सिंग में कैमरा दिखा रखे हैं तो आप देख सकते हैं ठीक ठाक क्वालिटी आती है। और रिगार्डिंग कीपैड आई थिंक ये ऑप्शन तो थोड़ा सा ज़्यादा मैंडेटरी लगा, पेंसिल तो उतनी बिग डील नहीं, अगर आप ज़्यादा स्केचिंग नहीं करते तब तो आपको उसकी नीड नहीं है, लेकिन यहाँ से देखिए प्लस क्या है कि आपको एक ये केस एक्सेसरी मिल गई तो ऑलरेडी आपके स्क्रीन पे कोई डैमेज नहीं होगा तो आप उसको कैरी कर सकते हैं। ऑप्शनल आपको कीपैड भी मिल जा रहा है, आप जैसे लगाते हैं फटाक से कीपैड कनेक्ट हो जाता है, तो ये तो थोड़ी सी बेटर एक्सेसरी बिकॉज इसके बाद लगाने के बाद ना जैसे आप टाइप करते हैं तो थोड़ा सा बढ़िया एक्सपीरियंस आता है। अगर आप टैब में इसमें कुछ व्हाट्सएप उसे भी इंस्टॉल करते हैं या प्रोडक्टिविटी पे ज़्यादा ध्यान देते हैं तो ये काफ़ी बढ़िया है। सो ये तरह गाइस मेरे थॉट्स इस पैड, इस कीपैड एंड इस पेंसिल के साथ में। आपके क्या थॉट्स हैं डू लेट मी ऑन दी कमेंट्स एंड थैंक यू सो मच, होप यू एंजॉयड इट। दिस इज सौरभ, हैव अ ग्रेट डे।